इस कहानी की शुरुआत में हम दो रैबिट ब्रदर को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम केविन और दूसरे का नाम लेपिन होता है। ये दोनों जंगल में एक जादुई हैमस्टर को ढूंढने आए होते हैं। दरअसल इनके राज्य में एक प्रथा होती है कि जो कोई भी सबसे रहस्यमय और कीमती वस्तु को लाएगा, उसे राज्य का नया राजा बना दिया जाएगा। और इसीलिए केविन और लेपिन उस हैमस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। अब ये दोनों एक गुफा के पास पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर हैमस्टर होता है। इसके बाद लेपिन एक खास की मदद से दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उसकी तरफ तेजी से कुछ तीर आती है। और इससे पहले कि वो लेपिन को लगती, केविन उसे अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार लेपिन की जान बच जाती है। अब ये दोनों किसी तरह से रास्ते की बाधाओं को पार करते हुए उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर हैमस्टर रखा होता है। हैमस्टर को देख कर लेपिन बहुत खुश होता है और वो जल्दी से उसे अपने हाथों में उठा लेता है, लेकिन अगले ही पल वो हैमस्टर रेत बनकर उड़ जाता है और पूरी गुफा टूटकर गिरने लगती है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर निकलते हैं। अब लेपिन बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो जिस हैमस्टर को पाने के लिए बरसों से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा होता है, वो चंद पलों में उसके हाथों से चला गया होता है। तभी केविन को वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, और जब ये पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक रैबिट बेबी रो रहा होता है। उस रैबिट के बच्चे की बॉडी तो रैबिट की होती है, मगर उसका पैर चिकन का होता है। वो बच्चा इन्हें देखकर शांत हो जाता है और लेपिन के बड़े बड़े कानों को देखकर हंसने लगता है। इसके बाद केविन उस बच्चे को अपने साथ ले आता है। हालांकि लेपिन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। केविन उस बच्चे का नाम चिकन हेयर रखता है। अब समय बीतता जाता है और चिकन हेयर अब बड़ा हो जाता है। अब एक दिन चिकन हेयर के पिता एक समुद्री यात्रा से वापस आते हैं और वो अपने साथ दुनिया की सबसे कीमती स्पून समुद्र से खोज कर लाते हैं, जिसे देखकर शहर के लोग केविन की जय जयकार कर रहे होते हैं। और चिकन हेयर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो ठान लेता है कि वो भी एक दिन अपने डैड की तरह ही एक महान खोजी बनेगा। अब चिकन हेयर के डैड उसे अपने सफर के किस्से भी सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर वो बहुत रोमांचित होता है। और वो अपने डैड से इतना इंस्पायर होता है कि लाइब्रेरी में जितने भी एडवेंचर की बुक्स होती है, वो सबको पढ़ लेता है। अब क्योंकि चिकन हेयर के डैड ने सबसे कीमती चम्मचों को ढूंढ कर निकाला होता है, और इसीलिए उन्हें उस राज्य का नया राजा बना दिया जाता है। और इसी खुशी में एक खेल का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए पूरे राज्य के लोग आए होते हैं। यहाँ पर चिकन हेयर के दोस्त भी आए होते हैं, और जब चिकन हेयर अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो वो सुनता है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी आधी रैबिट की और आधा चिकन का होता है। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी होता है और अपने कमरे में आ जाता है। अब अगले दिन से चिकन हेयर अपने पैरों को छुपाने के लिए रैबिट लेग के जूते पहनने लगता है। ये देखकर उसके डैड उसे समझाते हैं कि जो चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, वही तुम्हें दूसरों से स्पेशल भी बनाती है। लेकिन वो अपने डैड की बात नहीं मानता और कहता है कि वो दूसरों से अलग नहीं बल्कि उनकी तरह बनना चाहता है। उसकी जिद को देखकर उसके डैड उसे ऐसा करने देते हैं। और अगले सीन में हम चिकन हेयर को अपने दोस्तों के साथ वार्म अप करते हुए देखते हैं। दरअसल उनके राज्य में एक रॉयल एडवेंचर सोसाइटी नाम की संस्था होती है, जो एडवेंचरस खेलों का आयोजन करवाती है, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को एडवेंचरस सफर पर जाने का मौका मिलता है। और चिकन हेयर ने भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसने अपने पैरों और पंखों को छुपाने के लिए जूते और टोपी पहन रखी होती है, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद भी प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये देखकर केविन को उसके लिए बहुत दुख होता है। चिकन हेयर के उस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई हो जाने की वजह से उसके फ्रेंड भी उसका मजाक बना रहे होते हैं। इस बात पर वो बहुत दुखी होता है और अपने कमरे में आकर आईने में खुद को देख रहा होता है और ये सोचकर बहुत उदास होता है कि भगवान ने उसे ऐसी बॉडी क्यों दी। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तुम खुद से ऐसे नहीं भाग सकते। इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो किसी तरह अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। वो अपने डैड से एक बार फिर से एडवेंचर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मांगता है। ये सुनकर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक जो प्लेयर एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो दोबारा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और उसके डैड अपने बेटे के लिए ये रूल तोड़ना नहीं चाहते थे। ये सुनकर चिकन हेयर बहुत दुखी होता है। इसके बाद उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसने आज तक जितनी भी कीमती चीजों की खोज की है, उनमें से सबसे मूल्यवान चीज वो है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चिकन हेयर को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो जरूर किसी बड़ी खोज के लिए बना है। अब अगले दिन चिकन हेयर अपने नौकर कछुए के साथ लाइब्रेरी में पहुंचता है, क्योंकि वो पता करना चाहता है कि कौन से ट्रेजर को अभी तक खोजा नहीं गया है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को अभी तक कोई नहीं खोज पाया है। हालांकि उसे खोजने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास भी किया है, जिनमें से चिकन हेयर के पिता और उसके चाचा लेपिन भी थे, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया।
ये पता चलते ही वो हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को खोजना चाहता है, लेकिन जिस किताब में हैमस्टर ऑफ डार्कनेस के बारे में डिटेल में लिखा गया है वो किताब अभी चिकन हेयर के चाचा लेपिन के पास होती है, जो फिलहाल अभी जेल में बंद होते हैं क्योंकि वो अपने भाई केविन के राजा चुने जाने से बहुत दुखी था और उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी और इसीलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया। चिकन हेयर किसी भी तरह उस बुक को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो अपने चाचा से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर लेपिन बड़े ही चालाकी से उसके सिर का एक पंख निकाल लेता है और वो उसे अपना किताब भी नहीं देता है। चिकन हेयर लेपिन के इस अजीब बिहेवियर से डर जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अब जब चिकन हेयर अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसे याद आता है कि लेपिन ने उसके सिर से एक पंख निकाल लिया था और उसे समझ में आ जाता है कि लेपिन उस पंख की मदद से जेल से भागने वाला है। और इससे पहले कि वो ये बात अपने पिता को बताता, लेपिन उसके पंख का इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकल जाता है और साथ में ही वो बाकी के कैदियों को भी आजाद कर देता है और वो सब जेल से भाग जाते हैं। और जब ये सब बात उसके डैड केविन को पता चलती है तो वो चिकन हेयर पे बहुत गुस्सा होता है। तभी चिकन हेयर को लेपिन के सेल से एक बुक मिलती है जिसमें हैमस्टर तक पहुंचने का नक्शा होता है। ये देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि लेपिन इसी रास्ते से हैमस्टर की तलाश में जा रहा है और वो अपनी भी सेना के साथ लेपिन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। चिकन हेयर लेपिन के सेल में उदास खड़ा होता है कि तभी उसे लेपिन की सेल की दीवार पर एक नक्शा दिखाई देता है और जब वो अपने नौकर बी के साथ मिलकर लेपिन के कंबल को देखता है जिस पर कुछ अजीब छेद बने होते हैं तो वो समझ जाता है कि इनका जरूर कुछ मतलब होगा। और जब वो लेपिन के कंबल को खिड़की के पास लगाता है और कंबल के छेद में से आ रही रोशनी की जगह हैमस्टर की किताब को रखता है तो देखते ही देखते किताब के अंदर से गुलाबी रोशनी निकलती है जो नक्शे पर एक जगह को इंडिकेट करती है। और इस प्रकार चिकन हेयर को पता चल जाता है कि हैमस्टर ऑफ डार्कनेस कहाँ पर है और उसे ये भी पता चल जाता है कि नक्शे में जो रास्ता बताया गया है वो गलत है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने डैड को इस बारे में बताता, वो अपने शिप पे सवार होकर वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब चिकन हेयर किसी भी तरह हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को लेपिन से पहले हासिल करना चाहता है ताकि लेपिन उसका इस्तेमाल बुराइयां फैलाने के लिए ना कर सके और इसीलिए वो अपने नौकर बे के साथ हैमस्टर की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लेपिन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ हैमस्टर की तलाश में निकल चुका होता है कि तभी उसके पास उसकी जासूस सूजी आती है जो उसे बताती है कि चिकन हेयर भी अपने नौकर बे के साथ उसके पीछे आ रहा है। ये सुनकर लेपिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो एक छोटा बच्चा है, वो ज्यादा देर तक उनका पीछा नहीं कर पाएगा और रास्ते में ही मारा जाएगा। अब लेपिन एक शहर में पहुंचता है जहां पर वो एक गोरिल्ला से मिलता है जिसका नाम लूथर होता है जो लेपिन को हैमस्टर तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद हम चिकन हेयर को देखते हैं जो बे के साथ उसी सिटी में पहुंचता है जहां पर लेपिन ठहरा होता है। चिकन हेयर इस सिटी में पहुंचकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इस सिटी के बारे में किताबों में पढ़ा होता है। अब क्योंकि वो इस सिटी में नए होते हैं और इसीलिए उन्हें एक लोकल गाइड की आवश्यकता होती है और वो लोग एक गाइड की तलाश में लग जाते हैं और वहां पर इन्हें मेग नाम की एक गिलहरी मिलती है जो इनकी गाइड बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उन्हें एक ऐसे गाइड की तलाश होती है जो देखने में खतरनाक हो और जो सफर में इनकी मदद कर सके, इसीलिए वो एक ऐसे चूहे के पास जाते हैं जो इनकी गाइड बनने के लिए तैयार हो जाता है और इन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है जहाँ पर वो इनका नक्शा छीन लेता है और तभी वहाँ पर लूथर भी आ जाता है। दरअसल ये लोग लेपिन के आदमी होते हैं जो चिकन हेयर को मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बे और चिकन हेयर को मारते वहाँ पर मेग आ जाती है जो चूहे से नक्शा छीन कर इन्हें वापस कर देती है। इसके बाद वो लूथर और बाकी के गुंडों को हरा कर इन्हें सही सलामत वहाँ से बाहर निकाल लेती है। उसकी बहादुरी को देखकर चिकन हेयर तुरंत उसे अपना गाइड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और खतरों से भरे रेगिस्तान को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वैसे ये रेगिस्तानी इलाका बहुत ही खतरनाक होता है जहाँ पर इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन मेग यहाँ की लोकल सिविलियन होती है जिसे रेगिस्तानी खतरों के बारे में अच्छे से पता होता है और इसीलिए इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरी तरफ हम लेपिन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक पुल से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चिकन हेयर भी उसी रास्ते से उसके पीछे आ रहा है तो वो अपने आदमियों से बोलकर उस पुल को गिरा देता है। और जब चिकन हेयर उस नदी के पास पहुंचता है तो उसके पास उस नदी को पार करने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। ये देखकर चिकन हेयर परेशान हो जाता है, लेकिन मैग उसे कहती है कि ये नदी ऊपर से कुछ जगह ठोस है और अगर हम सिर्फ ठोस जगह पर अपना पैर रखकर नदी पार करने की कोशिश करें तो वो नदी पार कर लेंगे। और इसके बाद सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन नदी के बीच में पहुंचते ही चिकन हेयर और बे नदी में डूबने लगते हैं, लेकिन मैग किसी तरह बहुत मुश्किल से उन दोनों को बचा लेती है। अब नदी में फंसे होने की वजह से चिकन हेयर का शू उसके पैर से निकल जाता है जिससे मैग को पता चल जाता है कि उसका पैर चिकन का है। और रास्ते भर वो चिकन हेयर को बड़ी उत्सुकता से देख रही होती है। तभी कुछ जंगली पिग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें बंदी बनाकर अपने कबीले में ले आते हैं। यहाँ पर मैग इनसे बचने के लिए उनसे ये कह देती है
कि चिकन हेयर एक गॉड है क्योंकि इसकी आधी बॉडी एक रैबिट की और आधा एक चिकन का है। उसकी बातें सुनकर उन छोटे पिग्स का सरदार जो कि एक बड़ा सा पिग होता है वो बहुत खुश होता है और इनके आने की खुशी में दावत का इंतजाम करने को कहता है। ये बातें सुनकर ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले ही पल पिग्स का सरदार ये ऐलान कर देता है कि कल इन्हें दहकते हुए लावे में फेंक दिया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से इसके गॉड बहुत खुश होंगे। इसके बाद इन सबको खाना खिलाकर एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और इस समय सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। यहाँ पर मैग चिकन हेयर को उदास देखकर उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती है कि किस प्रकार जब वो छोटी थी तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए उसने योगा और मार्शल आर्ट भी सीखा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और इसके बाद उसने अकेले ही खुश रहना सीख लिया। मैग की बातें सुनकर चिकन हेयर को एहसास हो जाता है कि वो चाहे जैसा भी है बेस्ट है। अब ये लोग किसी तरह चिकन हेयर के पंख का इस्तेमाल करके कैद से आजाद हो जाते हैं और जब चिकन हेयर सो रहे पिगी बॉस से अपनी कैप लेने के लिए जाता है तो चिकन हेयर की गलती से सभी पिग जाग जाते हैं और वो इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं और किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं और वो सब एक गहरी खाई में आकर गिर जाते हैं जहाँ पर वो पिगी नहीं आ सकते थे। यहाँ से इन्हें वो पहाड़ी दिखाई दे रही थी जहाँ पर इन सबको जाना था। उस पहाड़ी को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लेपिन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ पहले से ही आधी पहाड़ी की चढ़ाई कर चुका होता है और जब उसे पता चलता है कि चिकन हेयर भी बहुत जल्द यहाँ तक पहुँचने वाला है तो वो अपने दूरबीन से चिकन हेयर और उसके साथियों को देख लेता है जो मेग और बे के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेपिन चिकन हेयर को यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे मारने के लिए पहाड़ी पर बम ब्लास्ट करवा देता है ताकि वो सब बर्फ गिरने से दबकर मर जाए, लेकिन वो गलती से बम ब्लास्ट अपनी ही तरफ कर लेता है जिससे वो खुद बर्फ में दब जाता है। चिकन हेयर जब लेपिन को बर्फ में दबा देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था और इसीलिए वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे जहां पर इन्हें एक दरवाजा मिलता है और ये दरवाजे से होकर आगे बढ़ जाते हैं। हैमस्टर ऑफ डार्कनेस तक पहुंचने से पहले इन्हें तीन चुनौतियों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले ये लोग डरावने रास्ते से होते हुए एक तहखाने की तरह दिखने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं जो इनकी पहली चुनौती होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसी चुनौती है। लेकिन अगले ही पल तहखाने की दीवारों से नुकीले कील निकल आती है और तहखाने की दोनों तरफ की दीवारें आपस में मिलने लगती है जिनके बीच में ये दबने वाले होते हैं। लेकिन समय रहते ही चिकन हेयर एक खास सिंबल को प्रेस करता है जिससे दीवारें रुक जाती है और इनकी जान बच जाती है। इसके बाद ये लोग और आगे बढ़ते हैं और अब बारी होती है दूसरी चुनौती की। अब ये लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों के पास से होकर गुजर रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी सी गोल चीज इनके पीछे आने लगती है जिनके नीचे दबने से इनकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन तभी चिकन हेयर एक हैमस्टर की मूर्ति के पास आकर रुक जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इन्हें दूसरी चुनौती के दौरान यही मूर्ति बचा सकती थी। चिकन हेयर को रुका देखकर मेग और बे भी चिकन हेयर के पास आ जाते हैं और जब वो बड़ी सी चीज लुढ़कते हुए इनके पास आती है तो वो इनको कुछ किए बिना ही आगे निकल जाती है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। अब ये लोग और आगे बढ़ जाते हैं और एक बड़े से हैमस्टर की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चिकन हेयर वैसा ही करता है जैसा कि वो मूर्ति कर रही होती है और इस प्रकार इनके सामने एक दरवाजा खुल जाता है और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर हैमस्टर ऑफ डार्कनेस होता है और वो हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को हासिल कर लेता है। तभी वहाँ पर लेपिन आ जाता है जो चिकन हेयर के सभी दोस्तों को कैद कर लेता है और वो चिकन हेयर के दोस्तों को छोड़ने के बदले उससे हैमस्टर की मांग करता है। दरअसल बर्फ गिरने की वजह से लेपिन मरा नहीं था बल्कि ये उसकी चाल थी ताकि चिकन हेयर अपनी जान पर खेलकर वो तीनों चुनौतियों को पार कर ले, जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी से चिकन हेयर से हैमस्टर हासिल कर सकता है। चिकन हेयर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मजबूरी में लेपिन को वो हैमस्टर दे देता है। हैमस्टर हासिल करने के बाद लेपिन देखते ही देखते हैमस्टर में ढेर सारे जादुई हैमस्टर को कैद कर लेता है और इसके बाद वो चिकन हेयर और उसके दोस्तों को गहरी खाई में फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो अब लेपिन के ना मिलने से वापस आ चुका था और जब उसे चिकन हेयर का लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि चिकन हेयर हैमस्टर ऑफ डार्कनेस की तलाश में गया है तो वो चिकन हेयर के लिए चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ हम चिकन हेयर को देखते हैं जो पूरी घटना का जिम्मेदार खुद को मान रहा होता है, लेकिन मैग उसे समझाती है और कहती है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, अगर तुम नहीं होते तो लेपिन कभी भी हैमस्टर को हासिल नहीं कर पाता। मैग की बातें सुनकर चिकन हेयर को समझ में आ जाता है कि वो वाकई में स्पेशल है और वो उस चट्टान से गहरी खाई में कूद जाता है और अगले ही पल उसके बड़े बड़े कान पंख में बदल जाते हैं और वो उड़ते हुए अपने दोस्तों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं पर इनके सामने समस्या ये होती है कि वो जल्दी से जल्दी नीचे कैसे पहुँचे। यहाँ पर बे उसे बताता है कि वो बिना खोल के पैदा हुआ था
और जो खोल इस समय उसके पास है वो उसके अंकल का है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से बे ने ये बातें सबसे छुपा कर रखी थी। अब सभी लोग बे के खोल में बैठकर तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो लेपिन से लड़ने की रणनीति बना रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि लेपिन वहाँ आ चुका है और इसके बाद केविन लेपिन के पास आ जाता है और उससे चिकन हेयर के बारे में पूछता है। इस पर लेपिन बोलता है कि मैंने उसे गहरी खाई में फेंक दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये सुनकर केविन को बहुत गुस्सा आता है और वो लेपिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेपिन जादुई हैमस्टर की मदद से केविन को कैद कर लेता है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेता है। अब जब चिकन हेयर अपने राज्य वापस आता है तो वो देखता है कि पूरे तरफ लेपिन का कब्जा है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर लेपिन ने केविन को कैद कर रखा होता है और इसके बाद वो बड़े ही चालाकी से किसी तरह लेपिन से उसका हैमस्टर स्टिक हासिल कर लेता है और सारे हैमस्टर को उस छड़ी में समा जाने को कहता है, लेकिन उसकी बातों का हैमस्टर पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर वो वहां से भागकर उस जगह पर आता है जहां पर एडवेंचर खेलों का आयोजन किया जाता है और वो गहरी खाई से हैमस्टर को फेंक कर नष्ट करना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर सारे हैमस्टर एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल कर वहां पर आते हैं और लेपिन उन्हें चिकन हेयर पर हमला करने का आदेश देता है। अब चिकन हेयर किसी तरह से उस विशाल का हैमस्टर से बच रहा होता है। इधर केविन और मेग भी आजाद हो जाते हैं जो लेपिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इस समय लेपिन के पास हैमस्टर की पावर होती है। इधर चिकन हेयर काफी देर तक जादुई हैमस्टर से मुकाबला करता है और एक समय ऐसा भी आता है जब हैमस्टर स्टिक एक लकड़ी के पुल पर होती है और चिकन हेयर और लेपिन उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी दौरान वो लकड़ी का पुल टूट जाता है जिससे वो दोनों हैमस्टर के साथ ही नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि लेपिन गहरी खाई में गिरता, चिकन हेयर उसे पकड़ लेता है, लेकिन लेपिन धोखे से चिकन हेयर को गहरी खाई में गिरा देता है। ये देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। अब लेपिन जिस सीढ़ी से होकर ऊपर चढ़ रहा होता है वो आग लगने की वजह से टूट जाती है और लेपिन भी चिकन हेयर के साथ गहरी खाई में नीचे गिरने लगता है। अब हैमस्टर स्टिक के टूटने की वजह से खाई में तेज हरी रोशनी होने लगती है और सारे छोटे हैमस्टर गायब हो जाते हैं। चिकन हेयर तो अपने बड़े बड़े कानों का पंख की तरह इस्तेमाल करके खाई से बाहर आ जाता है, लेकिन लेपिन खाई में गिरने की वजह से मारा जाता है। चिकन हेयर को उड़ता देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे और चिकन हेयर के डैड उसे इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उसने अब अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। लेपिन के मरने के बाद सभी बहुत खुश होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि चिकन हेयर अब नए सफर पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये देखकर उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे अपनी सुनहरी तलवार देते हैं जिसे पाकर चिकन हेयर बहुत खुश होता है और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ एक और मिशन पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।